ebanii surbi, surbi, ebanii surbi. इस शो की अगला प्रतिभागी अर्थात आखिरी प्रतिभागी के पास जानल चाहब सेनापति जी उत्तर प्रदेश के महारथिन में से के करा के भेजो। अब एक नंबर बा विकास, विकास बाबू ए भैया। वाह गुरुजी हमनी के गांव देहात पूरा है भोजपुरी समाज में हमनी के आदरणीय गोपाल चाचा भी है गावेनी इहें से ही सब सिखले बनी जा। गुरुजी चौगुन होला एगो जौन की गाना के लास्ट में बाजेला औ हमार गुरुजी अगही ले बजवाओ तनी तनी उभाव में आइल बा मधुकर भैया। अरे हम है पिया तो है ए सवरिया आई हम है पिया तो है ए सवरिया हम है पिया तो है ए सवरिया खोलू खोलू धनिया से खोलू खोलू धनिया से बजड़ा के बदिया हो हम है पिया तो है सवरिया हम है पिया तो है सवरिया हम है पिया तो है सवरिया हमनी के आदरणी भिखारी ठाकुर जी के भाव में कैसे आई अब पूरा बस आवत पूरा बस आवत पूरा बस आवत बड़ा परेशान बनी पूरा बस आवत बड़ा परेशान बनी देखल न बहारा भीतर ये सवरिया देखला न बहारा भीतर ये सवरिया देखला न बहारा भीतर ये सवरिया हम है पिया तो है 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 सवरिया। एकरा के कहल जाना माने बुझात रहला कि राजेश जी आज करेजा गदगदा के एकदम बहुत बढ़िया गौल है लेकिन भैया नंबर का मिली का ना मिली हम अबेना बताई सबसे पहले धनंजय जी जब भी मंच छोड़ी तो तुहार गाना मंच छोड़ दी अंतरा में मंच तुहार दिमाग छोड़ दे रहा अभी
कंपटीशन में अब वो दौर नहीं रह गया है कि केहू का तनिको जे बारीकी अगर छूटल तो ओके माफ नहीं कैल जा सकेगा सर, उस बात का ध्यान रख। बिल्कुल सर, चलल जाओ अपना निर्णायक मंडली की तरफ। सबसे पहले हम जानब हमन के गोपाल भैया से का कहब। सबसे पहले जौन गायकी के बारे में तनिकी बताई, क्योंकि भोजपुरी खाँटी भोजपुरी गीत गौले हैं और परंपरा के बात कैले हैं। भिखारी ठाकुर जी के अंदाज है रहे गावे के, और उनका नाटक के प्रस्तुति के अंदाज ही रहे बहुत बढ़िया लागल, और जिनी चौगुन वाला अंदाज आप सबके भाई सलाम जय हो, बहुत बढ़िया। विकास, ये चोखा बाटी खाया था क्या आपने भी? ये मुझे ऐसा लगता है कि बड़ा गजब का असर हो गया भाई। हमारे गुरु जी का सेहत के राज होता हूँ। बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छा गाया, बड़ा ही आपने एंटरटेन किया सबको और सभी लोग जो है इसका आनंद लिए हैं, और मैं समझता हूँ कि यही अगर अंदाज में आप अपने आप को हमेशा अगर रखेंगे तो मुझे लगता है कि मंजिल बहुत दूर नहीं है। अब जानते हैं गुरु माँ से कि गुरु माँ क्या कहते हैं। भाई ऐसे परफॉर्मेंस को मैं एक कहूँगी कि एक कहावत है ना, सौ खून माफ। माइंड ब्लोइंग। लेकिन इसका गाना सुन के मुझे टेंशन हुई है एक बात की। इस एपिसोड में छह कॉन्टेस्टेंट्स ने इतना अच्छा गाया है कि मतलब जो मेरे जहन में आता है कि जब राम जी को जाना था लंका, तो वो पत्थरों पे भगवान का नाम लिखा था, है ना, तो वो सब तरने लग गए। तो ऐसे इन छह कॉन्टेस्टेंट के सुरों के ऊपर भगवान ने अपने हस्ताक्षर किए। अब अगर जबरदस्ती चार को डुबाने का काम मैं तो नहीं करूँगी। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी खास तौर पे कि 15-20 साल पहले हम लोग जब रिकॉर्डिंग करते थे तो हमारे म्यूजिशियंस लाइव बजाते थे, और ये होता था कि आस्ते आस्ते धीरे धीरे से वो सब चेंज हो गया। लेकिन जिस वक्त म्यूजिशियंस लाइव बजाते थे तो जो सिंगर गाता था ना तो वो सुनते थे, और वो जो गाते थे, जो आर्टिस्ट जो गाते थे कि उसके सिंगिंग के ऊपर उनकी भावना जुड़ के वो बजाते थे। तो आज 20-25 साल के बाद आज दोबारा से मुझे ये देखने को मिला है। क्या बात है। तो मुझे लगता है कि ये कोई भी जीतते हैं तो उसका बहुत बड़ा परसेंटेज विक्ट्री का इन म्यूजिशियंस को जाता है।